Welcome to our YouTube channel by Lal Bakkas Inter College. Myself Mrs. T. Tiwari. बच्चों, हम लोग का चैप्टर चल रहा है संक्रामक रोग का नियंत्रण. उसी चैप्टर में आगे बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कर्णफीर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मम्स. इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे गलसुआ रोग भी कहते हैं. यह रोग हर अवस्था में हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है. इस रोग में क्या होता है, जबड़े के नीचे जो लार ग्रंथियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं, और जिसकी वजह से कान और कान के आगे के हिस्से और गाल में स्वेलिंग आ जाती है. जब गाल सूजता है तो इसे गलसुआ भी कहते हैं. यह एक भयंकर पीड़ादायक रोग है, इसमें बहुत दर्द होता है बच्चों. संप्राप्ति काल क्या है, 20 से 48 घंटे. कारण, जीवाणु रोगी की लार और थूक में होता है और श्वास द्वारा वातावरण में मिल जाता है. जब स्वस्थ व्यक्ति वातावरण में सांस लेता है तो इसके रोगाणु हमारे शरीर में पहुंचकर रोग का प्रसार करते हैं. लक्षण क्या है कर्णफेर के, रोगी को बुखार आता है. जबड़े के अंतिम भाग में कान के नीचे तक स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है. कान, मुंह में, गले में बहुत दर्द होता है. खाने पीने में कष्ट होता है. रोगी के ठीक होने के बाद भी 7-8 दिन तक रोगी को अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये फैलने की संभावना अधिक रहती है. उपचार क्या करेंगे, रोगी को साफ सुथरे कमरे में, प्रकाश युक्त कमरे में रखना चाहिए. रोगी को ठंड से बचाना चाहिए बच्चों. तरल पदार्थ और सुपाच्य पदार्थ देने चाहिए. तरल इसलिए क्योंकि रोगी के गले में दर्द होता है तो वो कुछ खा नहीं पाता है, और जब बच्चों कुछ खाएगा नहीं तो कैसे ठीक होगा, तो उसको तरल पदार्थ देना चाहिए. सूजन वाले स्थान पर सिकाई करनी चाहिए गर्म पानी से, और बेलाडोना नामक प्लास्टर एक आता है उसको लगाना चाहिए. पोटेशियम परमैंगनेट से व्यक्ति को कुल्ला भी कराना चाहिए, और रोगी को पूरा विश्राम देना चाहिए. उपाय क्या है बचाव के, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए. रोगी का कमरा डिटॉल आदि से, फिनाइल आदि से पोछा लगाना चाहिए. उसके वस्त्र को डिटॉल आदि से साफ करनी चाहिए. डीडीटी का छिड़काव नालियों में कराना चाहिए. स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में रोगी को आने से बचाना चाहिए, विशेषकर बच्चों से. थैंक यू बच्चों.